इस फिल्म की शुरुआत होती है एक शादी से। एंजेला और डीन की शादी हो रही है। डीन बड़ा एक्साइटेड है कि इतनी खूबसूरत लेडी के साथ उसकी शादी हो रही है। उसे तो जल्दी है कि जल्दी से जल्दी ये शादी पूरी हो और शाम ढले। वेडिंग पार्टी में वो एंजेला के साथ डांस करते हुए बड़ा एक्साइटेड है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एंजेला जैसी खूबसूरत लड़की के साथ उसे संभोग करने को मिलेगा। वो डांस तो एंजेला के साथ कर रहा है पर एक एक मिनट गिने जा रहा है। उसे इंतज़ार नहीं हो रहा। जैसे ही वो ड्रिंक लेने गया, एंजेला के साथ कोई और डांस करने लगा। वो तो एंजेला के अंगों को टच करने लगा। डीन को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उस शख्स को भगाता है। एंजेला को गोद में लिए होटल रूम में पहुँचा है। यहाँ एंजेला अपना स्पेशल कॉस्ट्यूम दिखाती है। डीन से ये कॉस्ट्यूम उतर नहीं रहा। वो चाकू से इसे काटने लगता है। इतने में एंजेला सो गई। बेचारा डीन रात भर एंजेला के उठने का इंतज़ार करता रहा। सुबह जब एंजेला उठी तब वो अपने काम में व्यस्त हो गई। इस तरह डीन अपने शॉप पहुंचा है। उसकी ऑटो बॉडी शॉप है। यहाँ उसके एम्प्लॉयज उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि डीन ने तो कल रात स्वर का मजा लिया होगा। पर डीन कैसे बताए कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। यहाँ उसकी सेक्रेटरी है वेंडी। डीन वेंडी के अंगों को देखकर आकर्षित होता है। वो उसके साथ चुंबन क्रिया करने लगा। इसके बाद वेंडी उसका मुख मैथुन करने लगी। इतने में यहाँ एंजेला आ गई। वो डीन को किसी और लड़की के साथ देखकर गुस्सा होती है। अब उसने डिवोर्स फाइल किया है। डीन की ढेर सारी दौलत उसने हासिल कर ली। इसके बाद जब वो फ्यूल स्टेशन पर है तब यहाँ वेंडी उससे मिलने आई है। यहाँ पता चला है कि ये दोनों माँ बेटी हैं। एंजेला का असली नाम मैक्स है। उसकी बेटी का नाम है पेज। ये दोनों इसी तरह मर्दों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठती हैं और बेचारे मर्द इनकी खूबसूरती में दीवाने होकर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यहाँ जब एक शख्स फ्यूल डालने के लिए अपना कार्ड इंसर्ट करता है तभी मैक्स उससे रास्ता पूछने लगती है। पेज इतने में उस कार्ड से अपने व्हीकल में फ्यूल डाल लेती है। इस आदमी को भी इन दोनों ने बेवकूफ़ बना दिया। ये दोनों औरतें कौन आर्टिस्ट हैं? इस काम में इन्हें महारत हासिल हो चुकी है। इसके बाद ये हमें रेस्टोरेंट में दिखती हैं। ये दोनों यहाँ फूड में ग्लास तोड़ के कांच के टुकड़े मिला देते हैं। फिर यहाँ कंप्लेन करते हैं कि इनके फूड में कांच है। इस तरह ये हर जगह पैसे लूटते रहते हैं। यहाँ पेज कहती है कि अब से वो अकेले मर्दों को बेवकूफ़ बनाएगी और पैसे बनाएगी। उसे अब अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है कि तू इतनी बड़ी हो गई, पर पेज नहीं मानती। इस तरह अब ये दोनों बैंक पहुँचे हैं अपने पैसों को स्प्लिट करने। इतने में यहाँ IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस की एजेंट बारबरा पहुँची है। बारबरा कहती है कि वो इन दोनों माँ बेटी के कारनामे जानती है। इनके सारे पैसे सीज हो चुके हैं और तो और इन्हें गवर्नमेंट को और भी पैसे देने होंगे। मैक्स और पेज को समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। मैक्स बाद में पेज से कहते हैं कि इस मुसीबत से निकलने का एक ही रास्ता है, हमें साथ में एक आखिरी कौन करना होगा। इसके बाद तुम अलग और मैं अलग। मजबूरन पेज इसके लिए हाँ कर देती है। पेज को हाँ करना पड़ा क्योंकि IRS को देने के बाद उसे अपने लिए भी पैसे चाहिए खुद का सेटअप बनाने के लिए। इन दोनों ने निशाना बनाया है विलियम को। विलियम एक टोबैको बैरन है। बहुत बड़ा बिजनेस है उसका इस इंडस्ट्री में। अगर ये मैक्स और पेज के जाल में फंस जाए तो इन दोनों की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ये पाते हैं कि विलियम अपने ही प्रोडक्ट का एडिक्टेड हो चुका है। पेज अपनी मदर के साथ इस कॉन पर काम कर रही है पर साथ ही वो एक दूसरा कॉन भी खेल रही है। इस बारे में उसने अपनी माँ को नहीं बताया। यहाँ पेज की मुलाकात हुई है एक बारटेंडर जैक से। जैक के बातों से पेज ने फिगर आउट कर लिया है कि जैक उसके जाल में फंस सकता है। वैसे भी यहाँ कोई ऐसा मर्द नहीं जो कि इनकी खूबसूरती का दीवाना ना हो। जैक के पास $3 मिलियन हैं। पेज जैक से कहते हैं कि उसका नाम जेन है। जैक उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। पेज जब यहाँ कीचड़ में गिर जाती है तब जैक यहाँ आकर उसे संभालता है। वो पेज से पूछता है कि पेज यहाँ क्या कर रही है। पेज कहती है कि वो एनवायरमेंटलिस्ट है इसलिए इस कीचड़ का अध्ययन कर रही है। जैक ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। वो पेज को बीच पर ले जाता है। यहाँ वो पेज के लिए टेलीस्कोप लाता है। इसके थ्रू वो पेज को आसमान दिखा रहा है। दोनों यहाँ आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। पेज भी जैक के साथ इमोशन शेयर करती है। दोनों यहाँ रात भर धुआंधार संभोग करते हैं। इस बारे में पेज ने अपनी मदर मैक्स को नहीं बताया। मैक्स आजकल विलियम को लूटने की सारी प्लानिंग कर चुकी है। विलियम को खुशी है कि इस बुढ़ापे में उसे मैक्स जैसी खूबसूरत औरत मिली है। पर इन सब में मैक्स को पता चल गया कि पेज साइड बाई कौन खेल रही है। वो पेज से कहती है तुम्हें उस बारटेंडर से दूर रहना होगा। पेज कहती है कि आप हमेशा मुझ पर बंदिशें लगाती हैं, मैं इस बार नहीं मानूंगी। मैक्स के दबाव में पेज जैक से मिलकर ये रिश्ता तोड़ देती है।
जैक को सरप्राइज हो रहा है कि पेज यूं उसे छोड़कर क्यों जा रही है। विलियम मैक्स को शादी के लिए प्रपोज करता है। मैक्स इसके लिए हाँ करती है। इस शादी से मैक्स को $1 मिलियन मिलने वाले हैं, फिर वो बाद में डिवोर्स ले लेगी। ये खुशखबरी वो पेज को भी देती है, पर मैक्स की प्लानिंग पर पानी फिर गया तब जब विलियम शादी से ठीक पहले मर गया। ये सब अचानक से हो गया। विलियम और मैक्स संभोग करने जा रहे थे। विलियम के दिल की धड़कनें बढ़ी और फिर हमेशा के लिए रुक गई। मैक्स पेज को बुलाती है। ये दोनों मिलकर ये डिसाइड करने में लगे हैं कि इस डेड बॉडी के साथ किया क्या जाए। इतने में यहाँ डीन पहुँचा है। डीन मैक्स को देखकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस औरत के बहकावे में आ गया था, प्लीज़ मुझसे एक बार और शादी कर लो। मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं है, वो अब फिर से डीन से शादी करने को तैयार है। वो डीन को उस होटल रूम में ले जाती है, यहाँ उसे रोल प्ले के नाम पर बेड पर बांध देती है, फिर यहाँ से भाग गई। इधर बीच पर पेज और जैक आपस में संभोग करने में व्यस्त हैं। अब धीरे धीरे पेज जैक को पसंद करने लगी है, पर उसे मैक्स से डर लगता है, इसलिए वो जैक को सिर्फ एक टारगेट के तौर पर ले रही है। डीन को यहाँ रूम सर्विस से हेल्प मिली, अब वो मैक्स को कन्फ्रंट करने पहुँचा है। यहाँ अचानक से पेज आ गई। इस बात का खुलासा हो गया कि ये दोनों माँ बेटी हैं। डीन समझ गया कि दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो अब यहाँ की अथॉरिटीज़ को कॉल करने जा रहा है और इन दोनों का भांडा फोड़ने जा रहा है। मैक्स उसे रुकती है। वो कहती है कि डीन के सारे पैसे वो लौटाने को तैयार है, डीन को बस विलियम को ठिकाने लगाने में हेल्प करनी होगी। यहाँ मैक्स इस बात का खुलासा करती है कि IRS एजेंट वास्तव में मैक्स की फ्रेंड है। उसने बैंक में एक्टिंग की थी ताकि पेज मैक्स को छोड़ कर ना जाए। ये सब सुनकर पेज और भी गुस्सा होती है। वो कहती है कि आप हमेशा मुझे बेवकूफ़ बना देती हो। इसके बाद डीन, मैक्स और पेज पैसे बैंक से लेने जाते हैं, पर यहाँ पता चलता है कि ऑन एक्ट ऑफ बिट्रेल इनके सारे पैसे वाकई में गवर्नमेंट ने सीज कर लिए हैं और ये सब बारबरा की हेल्प से हुआ है। अब पैसे पाने का एक ही तरीका रह गया है और वो है जैक। पेज कहती है कि वो अपनी मदर की हेल्प करेगी, जैक से शादी करेगी और फिर उसे डिवोर्स लेकर पैसे हड़पेगी। इससे वो मैक्स को दे देगी और मैक्स इसे डीन को देकर बच जाएगी। पेज जैक से मिलने जाती है। जैक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। पेज हाँ कर देती है। फाइनली ये शादी हो गई। शादी की रात प्लान के मुताबिक पेज सो गई। जैक को मैक्स अपने रूम में बुलाती है। वो उसे खुद अपने साथ संभोग करने के लिए उकसाती है। जैक मना कर देता है। वो कहता है कि वो पेज से प्यार करता है, उसे चीट नहीं कर सकता। मैक्स इस पर जैक के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाती है। इसके बाद जैक मैक्स के साथ संभोग करने लगा। इधर पेज को रियलाइज़ हो रहा है कि वो जैक के साथ गलत कर रही है। अब वो जैक से मिलकर सब कुछ बता देगी और फिर हमेशा उसकी वाइफ बनकर रहेगी। पर जब वो यहाँ पहुँची है तब वो जैक और मैक्स को संभोग करते हुए देखती है। वो जैक पर गुस्सा होती है। अब इस शादी का डिवोर्स हो रहा है। जैक के $3 मिलियन पेज को मिल गए, पर इसके बाद भी पेज दुखी है। वो जैक से प्यार करने लगी थी पर जैक ने उसे धोखा दे दिया। इधर डीन मैक्स को समझा रहा है कि तुम अपनी बेटी की लाइफ बर्बाद कर रही हो, ये पैसे उसे कुछ खास नहीं दे पाएंगे, उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिला था और तुमने उसे ये सब छीन लिया। डीन यहाँ मैक्स से बिना पैसे लिए ही उसे छोड़कर चला गया। पेज और मैक्स अब साथ में निकले हैं। अब ये किसी और शहर जाएंगे और वहाँ नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। पर मैक्स को रियलाइज़ हुआ है कि वो पेज के साथ गलत कर रही है। वो पेज को बता देती है कि उसने जैक के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, वरना जैक तो सिर्फ पेज से ही प्यार करता था। पेज यहाँ अपनी माँ को मारना शुरू करती है। अंत में दोनों में सुलह हो गई। मैक्स अब डीन के पास लौटी है। डीन भी उसे माफ़ कर देता है। मैक्स ये प्रॉमिस करती है कि अब वो कभी कोई धोखा नहीं देगी। इधर पेज जैक को सरप्राइज़ देती है। वो उसके सारे पैसे लौटा देती है। वो यहाँ अपना असली नाम बताती है और जैक से फिर से शादी करने की रिक्वेस्ट करती है। इस तरह पेज को जैक ने माफ़ कर दिया है। फिल्म के एंड में एक ट्विस्ट दिखाया गया है। डीन और मैक्स अभी भी वो पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कि मैक्स की फ्रेंड बारबरा की वजह से गवर्नमेंट ने सीज कर लिया था। डीन मैक्स की फ्रेंड बारबरा को बेवकूफ़ बनाने में लगा है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।